जैसा कि अभी पंकज सर ने बोला कि हैप्पीनेस क्या होती है, चलिए उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम पिंटू कुमार, और सर ने बोला हम जम्मू कश्मीर से हैं। एक्चुअली जम्मू कश्मीर में थे, अभी हम ट्रांसफर होकर अम्बाला में आ चुके हैं। और मैं अभी सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ, और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा फिर एक बार पंकज सर को, जिन्होंने हमें दोबारा मौका दिया इस स्टेज पे, इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि दुनिया का हर इंसान चाहता क्या है। जो भी कर रहा है, आप सांस भी ले रहे हैं तो सांस किसके लिए ले रहे हैं? आप बोल भी रहे हैं तो बोलने का पर्पज क्या है? चल रहे हैं तो पर्पज क्या है? खाना खा रहे हैं तो पर्पज क्या है? हर चीज का अगर पर्पज ढूंढे तो लास्ट में एक ही निचोड़ आता है, और वो है हैप्पीनेस। दुनिया में हर इंसान जिसके पास सोचने की शक्ति है, हर इंसान हैप्पीनेस चाहता है। लेकिन सवाल ये आता है कि हैप्पीनेस आता कहां से है? उससे पहले एक लाइन विवेक बिंद्रा का मैं बोलना चाहूंगा, इसको रिलेट कीजिएगा, बाद में रिलेट आप कर सकते हैं, फिर भी मैं बोलना चाहूंगा, जो एक बहुत ही बेहतर मोटिवेटर है और इंटरनेशनल मोटिवेटर है, कई बार वो इंटरनेशनल मोटिवेटर का सीईओ भी रह चुका है। उन्होंने एक बात बोला था जो मेरे जहन में अभी तक है, विकलांग वो नहीं जिसका पैर नहीं है, विकलांग वो है जो सोचता नहीं। चलिए हम बात करते हैं कि हैप्पीनेस आता कहां से है। तो हैप्पीनेस में कुछ टिप्स कुछ है, चार पॉइंट है, उसके बारे में हम बताते हैं कि हैप्पीनेस वहां से शुरू होती है, वहां से अगर ये चीज है चार चीज तो आपको हैप्पीनेस अपने आप आएगी। पहला है मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम मतलब जरूरत के अनुसार आपके पास पैसा होना चाहिए। दूसरा है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का मतलब लोग सोचते हैं कि यार टाइम मिल जाए तो मैं थोड़ा सा आधा कट्ठा खेत खोद दूंगा। अगर नौकरी से एक घंटा पहले मैं आ जाऊं, जैसे टीचर हैं, एक घंटा पहले आके क्या करते हैं? वो जाके आलू प्याज का खेती करते हैं। अरे तो टाइम किस लिए, टाइम फ्रीडम किस लिए आप मांग रहे हो? टाइम फ्रीडम आपको टाइम से काम करने के लिए नहीं है, आपके बॉडी और माइंड पे काम करने के लिए है। बॉडी और माइंड से काम करने के लिए नहीं, उस पे काम करने के लिए। जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि बाइक, बाइक से काम करते हैं, बाइक से आना जाना हो तो बाइक से काम कर रहे हैं हम, लेकिन अगर कभी हम रिपेयर करते हैं कि नहीं बाइक को, तो उसको बोलते हैं बाइक पे काम करना। तो वैसे टाइम किस लिए चाहिए? खुद के बॉडी और माइंड पे काम करने के लिए। तीसरा है आजादी। आजादी का मतलब लोग मतलब बोलते हैं कि सर मैं तो आजाद हूं, है ना। आप लोग देखिए कि हर आदमी सोचता है कि यार हमारा देश तो 1947 में आजाद हो चुका था, है ना। लेकिन आप सोच के देखिए, हर आदमी किसी न किसी सोच का गुलाम है कि नहीं? तो आजादी का मतलब है आपकी सोच की आजादी। और एक नेक्स्ट पॉइंट है जो लास्ट है, सेटिस्फैक्शन। जिस समय ये सब मिलेगा, जितना चीज आप सोचे, तो आपको होगी संतुष्टि, और उसी टाइम आप खुशी से झूमने लगेंगे। मतलब उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसके बाद खुशी आती है, मन ही मन डांस करने लगेंगे। जैसे आप देखते होंगे कभी भी कुछ ऐसा चीज मिले, जैसे बच्चे का या कुछ भी, आपको लगा कि यार बच्चे ने मांगा एक साइकिल, और वो मान ले कि ऐसा है कि जिसके पास बोला कि 10,000 का है, हम लोग 10,000 के लिए सोचते हैं, अब आपने ला के दे दिया तो बच्चा क्या होता है, झूमने लगता है। मतलब आपके जरूरत के अनुसार पैसा है तो आप क्या करोगे, उस समय बच्चा झूमने लगता है, आप भी खुश हो जाओगे, यार बच्चा खुश हो गया तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। और हर इंसान यही चाहता है, मगर क्या हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं? तो जवाब आता है नहीं। हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती जाने अनजाने कर रहे हैं। तो क्या सर एक नजर डालने की जरूरत है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं बचपन की बातें। हर बच्चा की बचपन में चलते हैं, हर बच्चा की लालसा होती है कोई भी चीज पाने की। पापा से कहता, पापा मुझे स्केटिंग चाहिए। पापा क्या कहते हैं, बेटा इस बार तू फर्स्ट लिया, तेरे को स्केटिंग पक्का। ना वो फर्स्ट आता है ना स्केटिंग आती है। फिर बड़ा होता है, साइकिल मांगता है, आप फिर कोई ना कोई बहाना करके अगले साल, है ना। ये प्रवृत्ति हमारी बन जाती है।
जो भी चीज है वो बाद में मिल जाएगा, ऐसा हमारी माइंड की प्रवृत्ति हो जाती है। फिर हम खुद से क्रिएट करने लगते हैं, सोचते हैं कि पापा ज्यादा पैसा जब कमाएंगे ना तब मोटरसाइकिल ले देंगे। फिर सोचते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं जब शादी करूंगा ना तो सीधे कार। ऑप्शन आता है, जब ये आता है कि माइंड में कि यार शादी कर लेंगे तो कार ले लेंगे, तो वहां पे भी ऑप्शन आपके पास रखा जाता है, कार तो मिलेगा लेकिन कार के साथ में लड़की भी काली, तो क्या करेंगे सर? Yes. फिर हम लोग अपने सोच के मुताबिक कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेते हैं, कुछ ना कुछ चुन लेते हैं, जो भी है आप लोग समझ रहे होंगे। फिर सोचते हैं कि कोई बात नहीं यार, नौकरी होने दे तब ले लेंगे, है ना। फिर नौकरी भी हो जाता है, बोले बोनस आने दे इस बार कर लेंगे। फिर सब कुछ होने के बाद जब लास्ट में जब होता है, चल यार कोई बात नहीं, पेंशन का जब पैसा मिलेगा ना उस समय पक्का कुछ ना कुछ ले लेंगे। धीरे 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 नौकरी भी खत्म हो जाती है ना। नौकरी जैसे होता है तो उसके साथ में जैसे शादी विवाह हुआ और यहीं पर होता है बच्चे, जो बोलते हैं ना कि बच्चे एक ऐसा चीज है जिसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है ना। बच्चे होते ही क्या होता है, फिर बच्चे की वही पढ़ाई लिखाई, बच्चे की नौकरी विवाह, है ना। धीरे 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 वहीं पे जैसे बच्चे की शादी हुआ वहीं पे हमारे रिश्ते की भी विदाई धीरे धीरे शुरू हो जाती है कि नहीं। वहां पे कहते हैं एक हमारे एक स्पीकर हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन जैन, उनका मैं एक्चुअली चेला भी हूँ, है ना। मैं उनकी हर बातें को, जो भी बोलते हैं हर बातों को मैं फॉलो करता हूँ, मैं अपना आइडियल मानता हूँ उनको। वो हर बार कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि दामाद ले गया बेटी और बहू ले गया पुत, और अपर रहेंगे उत के उत। मतलब फ्यूचर में जो हमारी खुशी मिलने की ख्वाहिश है उसका समय को हम टालते रहते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं। तो क्या सर हम लोग इस पैटर्न को तोड़ना चाहिए कि नहीं? यस बिल्कुल बिल्कुल। किसी महान आदमी ने कहा है द वर्ल्ड इज थर्ड राइजिंग ब्रेकडाउन। मतलब जो दादाजी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, जो बनाना चाहते थे वो बन नहीं पाया, और वही चाहत पापा आपसे चाहते हैं, लेकिन आपको इसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा सर। लेकिन करना क्यों पड़ेगा? क्योंकि अब ट्रेंड बदल गया है, अब ट्रेंड बदल गया है। पहले जमाना था फर्स्ट मूवर का, अब जमाना है फास्ट मूवर का। पहले जमाना था एक्टिव इनकम का, अब जमाना है पैसिव इनकम का। पहले जमाना था डिग्री का और अब जमाना है एजुकेशन का। पहले 12 कमरे में 20 परिवार रहते थे, लेकिन अब हर एक आदमी को अलग अलग कमरा चाहिए। अब ट्रेंड बदल रहा है सर। पहले पूरे परिवार की एक ख्वाहिश होता था, अब हर इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है, लेकिन पैटर्न वही पुराना वाला ही है। पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, फिर नौकरी करो यानी गुलाम बनो। अच्छा अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे, जो आप लोग सुन रहे हैं उसमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे भाई मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, सोच रहे होंगे कि इनका हो गया है ना तो ऐसा बोल रहे हैं। मैं उन सब भाइयों को कहना चाहता हूँ और एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मैंने दीवार पे सर मार दिया है भाई, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरी बात मान लो नहीं तो सर पटक के देख लो, है कि नहीं? यस, आवाज जा रही है सर? यहाँ सर। अच्छा, गुलाम बनने के बाद है ना, अच्छा गुलाम बनने के बाद स्थिति ये आती है कि हम तो गुलाम बन गए लेकिन एक गुलाम हम भी खरीदना चाहते हैं, और उसे हम लोग अपनी भाषा में पत्नी का रूप कहते हैं। क्यों कहते हैं? अच्छा, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी थोड़ा सा कारण है, क्योंकि बॉस अगर गुस्सा किया तो गुस्सा कहाँ ट्रांसफर होता है सर? पत्नी के ऊपर, है कि नहीं? बिल्कुल सच्चाई है ना। फिर आगे का सफर शुरू होता है, और जिनके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती और मिलता है जिंदगी का
बेस्ट रिजल्ट, जिसे हम बच्चे के रूप में एक नया आविष्कार बोल सकते हैं, और फिर उसकी भी दौड़ शुरू। पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, और हम इस चक्कर को अगर रिच डैड पुअर डैड या रॉबर्ट कियोसाकी की भाषा में बोले तो चूहा दौड़ भी कह सकते हैं, चूहा दौड़ भी कह सकते हैं। और जो लोग इस चूहा दौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं, उन सभी लोगों को मैं बेस्टिज में, बेस्टिज के बेस्ट प्लेटफॉर्म और बेस्टिज प्रोग्राम में, उन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और कुछ टिप्स देने की कोशिश करूंगा, छोटी छोटी अचीवमेंट को, छोटी छोटी अचीवमेंट अगर आपको मिले, पैटर्न तोड़ना है तो छोटी छोटी जैसी अचीवमेंट मिले आप खुशियां मनाना स्टार्ट कर दो। जैसे लगे नया लोग है कोई, आप नए लोग को पता नहीं होता, लेकिन अगर आप अपलाइन है, नया लोग अगर महीने में 20 प्लान कर दिया, उनके साथ पार्टी करो, टी पार्टी करो, डांस करो, उनकी अचीवमेंट की, उनकी खुशी में शामिल हो। कोई 50 प्लान करने लगे तब करो, कोई CNT प्रोग्राम देने लगे तब खुशी मनाओ। 8% अचीव करे तो, 10% अचीव करे तो, 11% करे तो, डायरेक्टर बने तो, ये पार्टी करो, पार्टी और सेलिब्रेशन करो, छोटे छोटे स्तर पे करो। ये नहीं कि अरे पार्टी और सेलिब्रेशन के लिए तो पंकज सर आएंगे तभी होगा, नहीं नहीं, अपने स्तर पे पार्टी करो। नेक्स्ट है पॉइंट, पर्पज को ढूंढो, और पर्पज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पर्पज जब बड़ा होता है तो खुद की गलती नजर आएगी, और अगर पर्पज छोटा हुआ तो सिस्टम को, कंपनी को, प्रोडक्ट को गलत ठहराओगे आप। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, पंकज सर आवाज क्लियर है ना? हाँ, यस सर, यस सर, यस। एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब मान लीजिए कि आप एक नई कार लिए और आपके पिताजी को हार्ट अटैक हो गया हो, और आप जा रहे हो मार्केट में और कोई लड़का गुटखा खा के थूक दिया, अब क्या सर, आप कार से उतर के उसको थप्पड़ मारेंगे, गाली देंगे, या आप चलते जाएंगे? चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि पर्पस जब बड़ा होता है, छोटी छोटी, जी छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको हमें इग्नोर करना पड़ता है। और ऐसे ही अगर आपका पर्पस अगर बड़ा होगा तो आप यहाँ पे छोटी छोटी चीजें को इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। कहते हैं ना, पर्पस के प्रति खुद को समर्पण कर दो। कैसे? जैसे दशरथ मांझी की तरह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुद से कमिटेड कर लो, खुद से कमिटमेंट लो, और नहीं तो पनिशमेंट लो। खुद से कमिटमेंट लो और नहीं तो पनिशमेंट लो। संकल्प करो कि मैं रोज 3 प्लान करूंगा, मेरा जब तक 3 प्लान नहीं होगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। खुद को पनिशमेंट दो, और इसे कहते हैं सेल्फ पनिशमेंट। 3 प्लान नहीं हुआ तो रात को खाना छोड़ दो, कुछ ना कुछ खुद डिसाइड करो कि हमें क्या करना है। और जिससे जिससे लगे डर, जिससे लगे डर और उसी काम को कर, जिससे लगे डर उसी काम को कर, ये बहुत महान आदमी का कहा हुआ है, और शायद मेरा, मैं उस आदमी का नाम एक्चुअली भूल गया हूँ, कल ही उनका चल रहा था तो उसी में मैं पढ़ा था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको प्लान देने में डर लग रहा है तो आप प्लान पे फोकस ज्यादा करो, इनवाइटिंग में डर लग रहा है तो इनवाइट पे ज्यादा फोकस करो, प्रोस्पेक्टिंग में डर लग रहा है तो प्रोस्पेक्टिंग करो। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। ये तो है, मगर ये तो है, लेकिन मगर मगर आता है इसमें कि डर और जीत के बीच में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। कैसे? जैसे गया से अगर पटना जाना है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो आता है सर, है ना? मखदुमपुर, जहानाबाद, मसौढ़ी सबको पार करके जाना पड़ता है कि नहीं? उसी तरह डर और जीत के बीच में दर्द होता है, डर और जीत के बीच में दर्द होता है और उसे सहना भी पड़ता है। ठोकर होती है और उसे सीखना पड़ता है।
और एक होती है सिस्टम, जिसे इम्प्लीमेंट करना हो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और एक होती है सिस्टम जिसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और तब जाके मिलती है जीत। कहने का मतलब है कि जीत और डर और जीत के बीच में क्या आ गया, आपको दर्द आएगा, ठोकर लगेगी, और एक सिस्टम होगा जिसे आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये तीनों पार करोगे तब जाके आपको मिलती है जीत, और जिसे कहते हैं कामयाबी। किसी ने खूब कहा है, क्या कहा है, कहते हैं कि बीज में गलती नहीं होती है, बीज में गलती नहीं होती है, मगर बीज बीज में गलती होती है मगर बीज से गलती नहीं होती, बीज में गलती होती है लेकिन बीज से गलती कभी नहीं होती। जैसे अगर हम गर्मी में सरसों डालें तो नहीं होगा, तो आप दोष भले ही सरसों को दे सकते हैं लेकिन गलती आपका चुनाव का है। वही बीज ठंडी में डालते हो तो सब कुछ सही होता है। तो कहते हैं ना, सक्सेसफुल के लिए चुनाव जरूरी है। चाहे तो आप नौकरी चुन सकते हो या बिजनेस, और चाहे तो बिजनेस में आप ट्रेडिशनल मार्केट चुन सकते हो या तो आप डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग में चाहे तो आप भारत की नंबर वन कंपनी बेस्टी चुन सकते हो या फिर कोई और कंपनी। लेकिन यहां पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, जब जिंदगी का सफर तय करना ही है तो उगते सूरज के साथ करो, नहीं तो मर्जी आपकी है, आप रात में भी शुरू कर सकते हो और किसी गड्ढे में गिरकर खुश हो सकते हो, और आप चाहे तो अपने आप को ये भी बोल सकते हो, यार मैंने तो समुन्द्र में ही गोता लगाया है, ये आपकी मर्जी है। अगर आपने वेस्टी चुन ही लिया है तो आप सक्सेस होना चाहते हैं तो इसे तीन एंगल से देखें, और इसमें से किसी एक एंगल में भी अगर छेद होगा तो आप सफल नहीं हो सकते। पहला है सही कंपनी को चुनें, उस कंपनी के प्रोडक्ट को देखें कैसा है, प्लान को देखें कैसा है, मैनेजमेंट को देखें कैसा है, विजन क्या है उसका, लीडरशिप कैसा है, सर्विस कैसा देता है, टीम कैसी बनती है वहां पे, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, छानबीन करो कंपनी का पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और विजन क्या है। ये तीनों चीज को कंपेयर करो, मूल्यांकन करो। और दूसरा, एक सही एक राइट अपलाइन चुनो, एक ऐसा अपलाइन जिससे बात करने पे आपके रोम रोम खड़ा हो जाए, जिससे लगे घंटों बात करने का दिल करे। अगर ऐसा हो तो उस अपलाइन को अपने आप को समर्पित कर दो। और तीसरा, खुद के प्रति ईमानदार रहो। कहते हैं एक हमारे जो एमडी सर हैं मिस्टर गौतम, बोलते हैं कि आपकी जिंदगी एक ही आदमी बदल सकता है, कहते हैं कि आपकी जिंदगी एक ही आदमी बदल सकता है और वो है आप खुद। यस, अपने आप से झूठ मत बोलो, सीखने की कोशिश करो, खुद को फॉलो करो, और मैं कमिटमेंट अपने कमिटमेंट को और एथिक्स के सारे नियम कानून के अनुसार चलो। ड्रीम को डिफाइन करो, प्लान को घोर के पी जाओ। आपको पता होना चाहिए कि फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल जो है कैसे देना है, किस तरह से देना है और क्यों देना है। आपको पता होना चाहिए कि लाख रुपया अगर कमाना है तो उसका कैलकुलेशन क्या है। कहते हैं ना, अगर आपको पूरी दुनिया बदलनी है तो खुद की दुनिया को बदल डालो। एक स्टोरी मैं कहता हूं आपको, आपको एक स्टोरी के माध्यम से एक आपको बताना चाहूंगा। एक भिखारी था, एक भिखारी की कहानी आपको बताता हूँ, शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा लेकिन फिर भी दोबारा सुनाता हूँ आप लोगों को। एक भिखारी था, वो एक ही जगह पर बैठकर भीख मांगता था। कुछ सालों बाद उसकी मौत हो गई। आसपास के लोग उस जगह से बहुत घृणा करते थे।
मरने के बाद आसपास के लोग उसके कपड़े बर्तन सब फेंक दिया, लेकिन कुछ लोग आए बोले भाई ये जो बैठता था ना जगह, जो हाइट वाली जगह है, उसको भी काट के फेंक दो। और जैसे ही मिट्टी की खुदाई हुई, अंदर से हीरा जेवरात, लोग बोले बेचारा कितना अभागा था, चाहता तो सम्राट बन जाता, चाहता तो सम्राट बन जाता। और आप लोग खुश हो रहे ना सर, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो भिखारी की बात है, मेरा थोड़े ही है, लेकिन सर ये हम लोगों की बात है। हम लोग भिखारी से भी गए गुजरे हैं, हम लोग की माइंड जो है ना उस हीरा जेवरात से भी बड़ा है, चाहे तो लखपति करोड़पति कुछ दिनों ही बन सकते हैं। चलिए अभी ये एक और जो कहानी जो कल हमारे एक सर थे उन्होंने सुनाया था, तो उस कहानी को सुनाते हैं। एक लड़की थी जिसका वजन कम नहीं हो रहा था, उसका वजन लगभग 20 केजी ज्यादा था। जिम गया दो चार दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन गया, बार बार डेली वो क्या बोलते हैं उसको, वजन नापने वाला पे चढ़ता था और बोलता था यार मेरा वेट तो कम नहीं हो रहा जिम से, इसका मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर क्या किया, वो सोचा कि अब डॉक्टर के पास चलते हैं, शायद वो कुछ उपाय बताए। वो बहुत सारा डाइट वगैरह सब कुछ किया, वो रिफर किया, कुछ मेडिसिन भी दिया, सब कुछ किया, वो भी महीना दो महीना में छोड़ दिया, बोला यार इससे भी कोई फर्क नहीं। कई लोगों ने उसको कई सलाह दिया लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लास्ट में हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद उससे प्यार हो गया। प्यार होते होते कुछ सालों के बाद लड़की ने बोला कि डार्लिंग अब शादी कर लेते हैं। बोला शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन शादी मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम्हारी वेट कम ना हो जाएगा। अब उसके माइंड में घुमा क्योंकि परपज पहले भी एक बार ट्राई कर चुका था वो कि शायद अगर उस समय ये रीजन मिल जाता तो वजन कम होता, लेकिन वजन कैसे कम हुआ देखिए। वो जाती थी मार्केट में सब्जी लेने के लिए स्कूटी से, उस दिन के बाद वो पैदल जाने लगी। सब्जी खरीदते वक्त सोचने लगा कि कौन सा सब्जी बेहतर होगा, आलू से बेहतर है कि भिंडी खाएं, भुजिया से बेहतर है सब्जी खाएं, तेल डर डर के डालने लगा किचन के अंदर। उसके बाद बोलते हैं ना कि लड़की जब मार्केट में जाती है ना तो सारा काम भूल सकती है लेकिन गोलगप्पा खाना नहीं भूलती, लेकिन वो ऐसे ही कि गोलगप्पा ना खाना भी छोड़ती। और रिजल्ट एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपनी पूरी की पूरी वजन मात्र 2 से 3 महीना में कम कर दिया। तो क्या सर ये सारे काम तो पहले भी कर रही थी लेकिन पहले वजन क्यों नहीं हो रहा था कम? कुछ तो था, कुछ उसके अंदर था जो करवा रही थी। क्या वो पर्पज था? यस पर्पज ही था, मगर कुछ और भी था। चीजें उसी वक्त बन जाती है जब हम पर्पज को ठान लेते हैं। कहते हैं एक और कहावत है, किसने कहा है, दैट इज रियल ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। ठानना पड़ेगा सफल होने के लिए, जो ठानना है वो आपके रियल लाइफ, आपके लाइफ का रियल ड्राइवर है। और ठानना पड़ेगा सफल होने के लिए, ठानना पड़ेगा। कुछ सफल लोग जो ठान करके और सफल हो चुके हैं, कहते हैं ना जब कोई इंसान ठानता है तो सबसे पहले विज्ञान दांतों तले उंगली दबाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा किसने वजन उठाया तो लोग कहते हैं वेटलिफ्टर ने। नहीं, वजन उस मां ने उठाया जिसका बच्चा कार के नीचे दब गया था। जो मां 20 किलो वजन नहीं उठा सकती थी वो कार कैसे उठाया? विज्ञान के पास जवाब नहीं है इसका। विज्ञान कहती है 9 डेसिमल से ज्यादा दर्द इंसान को हो तो मौत हो जाती है, लेकिन एक मां बच्चे को जन्म देते समय 12 डेसिमल तक दर्द सह जाता है। जवाब नहीं है विज्ञान के पास, ये कैसे होता है यही सोचता रहता है। और अभी भी विज्ञान इसमें रिसर्च करने में लगा हुआ है,
लेकिन जवाब नहीं मिला है। ठानना पड़ेगा सर, ठानना पड़ेगा का जवाब न तो केमिस्ट्री मिलेगा, न बायोलॉजी मिलेगा, न बॉटनी में मिलेगा, न जूलॉजी में मिलेगा, न ही अर्थशास्त्र में मिलेगा। विश्व के किसी भी किताब में ठानना पड़ेगा का फॉर्मूला नहीं मिलेगा। ठानना पड़ेगा का जवाब कहीं मिल सकता है तो वो भारतीय दर्शन के पास मिल सकता है, और लाखों हजारों एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। जिस दिन गांधी जी को ट्रेन से धक्का मारा गया था उस दिन उन्होंने ठान लिया था, तू मुझे तो सिर्फ ट्रेन से धक्का मारा है, मैं तुझे देश से धक्का मारूंगा, देश से धक्का मारूंगा। और उसी रिजल्ट को याद करने के लिए हमने 15 अगस्त बनाया है। उसी दिन पूरा देश खुशियां मनाते हैं, गीत गाते हैं और हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा लहराते हैं। मगर सोचो, ठानना पड़ेगा और रिजल्ट के बीच में कई साल लग गए, कई दर्द सहना पड़ा, कईयों की कुर्बानी देनी पड़ी, कई महापुरुषों को पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ी, कई देश के प्रति समर्पण की भावना को अपने से कम होने ही नहीं दिया। कई लोग देश के प्रति समर्पण की भावना को कम नहीं होने दिया, वह अपने आप में इससे कमिटेड थे कि सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका नहीं सकता। एक हमारे ऐसे ही महान नेता था जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, वो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। और आज दूसरा गांधी जी हमारे देश में फिर से आए हैं और वो चिक चिक कर हर इंडियन से बोल रहे हैं तुम सिर्फ इस बताए हुए रास्ते पे चलो, इस कंपनी और इस सिस्टम पे भरोसा करो, संयम रखो, ईमानदारी से फॉलो करो, मैं तुझे आर्थिक आजादी दूंगा, आर्थिक आजादी दूंगा। थैंक यू पंकज सर, थैंक यू फुल पूरे इंटायर टीम, थैंक यू, विश यू वेल, जय हिंद, जय भारत। ने भी बात की आपने, एक बहुत ही बेहतरीन था, आम लोगों के लिए बहुत जरूरी था समझना सीखना। तो कंपनी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं और गुड अपलाइन के बारे में कर रहे थे, तो कंपनी तो लोगों को समझ में आई कि किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए उसके कुछ पॉइंट हैं जिसपे आपको फोकस करना होगा कि उस कंपनी के अंदर में क्या क्या चीज है, जिसमें आपने बताया कि उसके अंदर जिस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसा है, उसमें काम करने वाले टीम कैसे हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसे है, उसका पे आउट आ रहा है या नहीं, उसका विजन क्या है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, उसमें एजुकेशन सिस्टम कितना है, उसका सर्विस कहाँ कितना एक्चुअल है और उसका मिशन क्या है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर में क्या है, और सबसे बड़ी चीज है उसमें अचीवर कितने लोग हैं, ये आपको तय करना होगा कि। और ये सारे पॉइंट में अगर 100% के 100% कर देते हैं तो भेजी को इसमें 110% यहाँ पर मार्क्स मिलता है। बट यहाँ पर आपने बताया गुड अपलाइन, बिल्कुल, तो अपलाइन का क्या यहाँ पर रोल अदा करता है वो आपसे जानना चाहेंगे। अपलाइन का क्या, अपलाइन ऐसा होना चाहिए। पहली बात तो हम जब अपलाइन से बात करते हैं तो पहले कि आपकी तरक्की के लिए हम अपनी खुद की तरक्की के लिए उससे बात करते हैं, और हम अगर पहले खुद सही हैं तो अप्लाइन से बात करते हुए, अगर अप्लाइन से बात करते हुए जब लगे कि नहीं यार अप्लाइन बोल रहा है लेकिन हमें वो चीज पसंद नहीं आ रही है, या हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, या बोलता है तो हम उसको ऊब लगते हैं कि यार ये से अच्छा है कि छोड़ो, किसी तरह से वहां से हटने का विचार हो रहा है, तो आप पहले खुद को देखिए कि कहीं आप में तो कमी नहीं है। अगर खुद की कमी है तो भी ऐसा हो सकता है, अगर खुद की कमी नहीं है तो आप अपलाइन अगर बेहतर है, अगर ऐसा लगे कि नहीं बात करते हुए जब कुछ बताए कि ये चीज ऐसे होता है ये चीज होता है, तो आपके शरीर में एक झंझनाहट आनी चाहिए, और जब ऐसा लगे तो उसको गुरु मान लो और उस गुरु को खुद को समर्पित कर दो, जैसा बोले वैसा कर दो। पिंटू जी, जो आपने इतना बेहतरीन तरीके से आपने आज प्रेजेंटेशन दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और किशोर सर के साथ साथ सुमन जी को भी कहना चाहेंगे कि उनका भी साथ हमें हमेशा मिलते रहता है। आप खुद सोच सकते हैं आज पिंटू जी अपने कैंप को छोड़कर के बाहर आकर के पूरे धूप में, ये कमिटमेंट क्या दर्शाता है सर कि अगर जिन आदमी इंसान चाह जाए तो कुछ भी कर सकता है, असंभव सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम अपने आप को दोषारोपण करते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। किस्मत का रोना छोड़ दें, खुद पे विश्वास करें, भरोसा करें, क्योंकि फॉरेन ट्रिप आपको चाहिए, कार आपको चाहिए, पैसे आपको चाहिए, तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा। अपलाइन सिर्फ एक मेंटर है, आपके साथ सिर्फ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपको एक सही दिशा दिखा सकते हैं, काम आपको करना पड़ेगा।
चलिए पंकज सर, थैंक यू जी सर, थैंक यू सर, जी सर।